हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है। दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा क्या दिखाऊँ कि आप लोगों को पहली बार में ही पसंद आ जाए। अब ऐसा है दोस्तों कि पहली बार में ही तो आप लोगों का दिल मैं नहीं जीत सकता। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, ताकि आप लोग मेरे से थोड़ा और कनेक्ट हो जाएं और मैं और आप लोग मेरी फैमिली बन सको। तो चलिए दोस्तों, दूसरे लोकेशन में मैं लेके चलता हूँ आप लोग को और अच्छे से बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दे। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं मोटिवेशन होकर आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा और वीडियो लेकर आऊँ। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अच्छे से लोकेशन में जाकर मस्त आराम से बात करता हूँ। और दोस्तों, ये देखो, हम मेरा गांव चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और ये नीचे से मेरा गांव स्टार्ट होता है उस साइड पूरा, और इस साइड पूरा पठार है और इस साइड में पूरा जंगल से और पठार से घिरा हुआ है मेरा गांव। ये देखिए दोस्तों, चलो आप लोगों को मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। इस साइड पूरा जंगल है दोस्तों, जंगल, और इस साइड मेरा गांव और ये पठार, उसके बाद जंगल। तो चलिए दोस्तों, एक अच्छा सा जगह मिल गया है, वहाँ पे बैठकर मैं आपसे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अच्छे से लोकेशन में आ गया हूँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हलधर पटेल है और अभी मेरी उम्र 23 वर्ष है। और मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। बात करूँ तो मेरी फैमिली में 4 सदस्य हैं, पिताजी, माँ और मैं और बड़ी बहन। तो दोस्तों, मेरे बारे में जितना हो सका उतना मैं आपको बता दिया। ये देखिए दोस्तों, पीछे कैसे पहाड़ में बरगद का पेड़ उग गया है, देखिए दोस्तों। एक छोटा सा दृश्य दिखा देता हूँ आप सबको। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों। मिलते हैं दोस्तों एक नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।